नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। सदर विधायक पहुंचे पोता पंचायत के ग्राम तुराव, हाथी प्रभावित मृतक की पत्नी को सौंपा 3 लाख का चेक। चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, हाथियों के प्रति किया जागरूक। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शीतकालीन सत्र से लौटकर कटकदाग और कटनसांडी क्षेत्र के कई गांव का दौरा करने के बाद गुरुवार की शाम को सदर प्रखंड स्थित पोता पंचायत के ग्राम तुराव पहुंचे। यहां उन्होंने हाथी प्रभावित मृतक सो राम प्रसाद राम की धर्म पत्नी केटी देवी को पूर्वी वन प्रमंडल हजारीबाग द्वारा 3 लाख रुपए की मुआवजा राशि का चेक सौंपा। ज्ञात हो कि विगत 11 अक्टूबर 2021 को अपने दल से बिछुड़े एक मतवाले हाथी ने कटकदाग और सदर प्रखंड क्षेत्र के 5 लोगों को अपने आगोश का शिकार बनाया था, जिसमें तुराव ग्राम निवासी 42 वर्षीय राम प्रसाद राम की भी आकस्मिक मौत हो गई थी। इनके मौत के बाद हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल के प्रयास से इन्हें तत्काल विभाग द्वारा 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान की गई थी और शेष की राशि विभाग द्वारा चेक के माध्यम से विधायक मनीष जायसवाल के यहां तो पीड़ित परिवार को सौंपा गया। विधायक मनीष जायसवाल ने मृतक परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए भविष्य में भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।